हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कुल पोस्टें आपकी 1262 हैं। यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 1262 पदों पर भर्ती कर रहा है जूनियर असिस्टेंट। योग्यता दोस्तों, जो 12th पास हैं वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये वैकेंसी के लिए पेट परीक्षा की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, जिन्होंने पेट 2021 की परीक्षा दी हुई है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये आपके ऑनलाइन अप्लाई होंगे, फॉर्म कैसे होंगे, कब से होंगे, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि इसका सिलेबस क्या होगा, इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, पहले इसका सिलेबस देख लीजिए आप लोग। सिलेबस में देखिए, दो चरण होंगे, यानी परीक्षा जो योजना है उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से होगा। तो परीक्षा योजना में प्रथम चरण में दोस्तों 65 अंक की एक परीक्षा होगी, जिसमें आपके 130 प्रश्न होंगे, जिसमें से हिंदी के 60 प्रश्न होंगे, यानी हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, और जीके के 30 प्रश्न होंगे, और सामान्य जानकारी नहीं जीके नहीं सॉरी जीके के 40 प्रश्न होंगे, और जो रीजनिंग है रीजनिंग के 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, टोटल मिलाकर के 130 प्रश्न होंगे और ये 65 नंबर की परीक्षा होगी। यानी एक प्रश्न जो है वो आधे नंबर का होगा, यानी 0.50 नंबर का होगा। इस परीक्षा के लिए आपको जो समय मिलेगा वो 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा, यानी 1.5 घंटे मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 सही वाले क्वेश्चन के नंबर आपके कट जाएंगे। ये चीज़ आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी। बाकी ये सिलेबस में हिंदी कैसी क्या पूछी जानी है, सामान्य ज्ञान बुद्धि परीक्षण के कैसे प्रश्न आते हैं, हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट से आकर के उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये परीक्षा आपकी कब होगी, तो ये परीक्षा जल्द ही कराई जाएगी। इसके ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो कब से शुरू हो जाएंगे ये देख लीजिए आप लोग। जैसे कि लेखपाल की परीक्षा के लिए जितना समय दिया गया, तो उतना ही इसमें समय आपको दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखें कि ये जो परीक्षा के लिए आवेदन है वो आपके नवंबर में शुरू हो जाएंगे, 21 नवंबर से आपके चलेंगे 14 दिसंबर तक। ठीक है, 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक चलेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए जिन लोगों ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में जितने भी लोग पास आउट हुए हैं वही लोग केवल इसमें आवेदन कर पाएंगे। और साफ साफ ये बात बोली गई है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में शून्य जिसके नंबर या उससे कम नकारात्मक अंक हैं उन्हें मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो यानी इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन आप समझ रहे होंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी इसमें मैथ नहीं पूछी जाती है, केवल हिंदी, रीजनिंग और जीके पूछी जाती है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी होती है ये, क्लर्कल पोस्ट के लिए वैकेंसी होती है। और बाकी यहाँ पर डिटेलिंग दी गई है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जब शुरू होगी तो आपको केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹25 देना होगा, किसी भी कैटेगरी से हों आप। ठीक है, चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप लोग कमेंट करके जो भी आपकी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।